सब्सक्राइब करें टेक्निकल एंड नॉलेज को और बेल आइकन दबा दें लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको हमारे इस यूट्यूब चैनल टेक्निकल एंड नॉलेज में। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे, अगर आप किसी के भी म्यूजिक इस्तेमाल करते हैं तो आपको कॉपीराइट क्लेम आ जाता है या फिर कॉपीराइट स्ट्राइक आ जाता है। तो आज इसी का हम सोल्यूशन लेके आए हैं, ना ही आपके चैनल पे कॉपीराइट क्लेम आएगा और ना ही कॉपीराइट स्ट्राइक आएगा। तो चलिए वीडियो को देखते रहे, चलिए शुरू करते हैं। तो आपको उस म्यूजिक के लिए सबसे पहले जाना होगा गूगल में, और उसके बाद आपको यहाँ पे सर्च करना होगा ऑडियो लाइब्रेरी। ऑडियो लाइब्रेरी सर्च करने के बाद आपको यहाँ पे सबसे ऊपर YouTube म्यूजिक लाइब्रेरी शो होगा, तो आपको इसी पे क्लिक करना है। आप यहाँ पे देख सकते हैं ऊपर करके भी। तो चलिए हम YouTube म्यूजिक पे क्लिक करते हैं। तो देखिए यहाँ पे YouTube म्यूजिक शो हो गया। ये सब जितने भी है सारे कॉपीराइट फ्री है। आप यहाँ से YouTube म्यूजिक को कर सकते हैं अपने वीडियो में यूज। तो आप यहाँ पे सिंपली कोई भी गाने को सुन सकते हैं साइड का प्ले बटन पे क्लिक करके। आपको ये गाना अगर अच्छा लगे तो आप इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। आगे बताऊँगा कैसे डाउनलोड करना है इसको। तो आपको डाउनलोड करने के लिए सबसे कॉर्नर बटन है जो कि डाउनलोड का ऑप्शन है, उसी पे आपको क्लिक करना है। एग्जांपल के तौर पे मैं आपको क्लिक करके दिखा देता हूँ, तो आप देखते रहें कहाँ क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको नीचे नोटिफिकेशन आ जाएगा कि आपका म्यूजिक डाउनलोड हो रहा है। आप यहाँ पर और भी गाने डाउनलोड कर सकते हैं। आपको यहाँ पे डाउनलोड पे क्लिक कर देना है। डाउनलोड पे क्लिक करते ही आपके जितने भी म्यूजिक है सारे डाउनलोड हो जाएंगे। तो देखिए यहाँ पे दो गाने डाउनलोड हो रहे हैं जो कि 25.20 MB का है। आप यहां से साउंड इफ़ेक्ट भी डाउनलोड कर सकते हैं, जैसे कि कोई भी म्यूजिक में आप साउंड इफ़ेक्ट या फिर कॉमेडी वाइंस में आप साउंड इफ़ेक्ट लगा सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करके बताएं कैसा लगा। धन्यवाद, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। जय हिंद।